तो की हाल चाल भाई और उनके बहनों, उम्मीद है तुम सब बड़े होते। स्वागत है तुम लोगों का क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के चैप्टर पे। और तुम लोगों को तो पता ही हमारे पढ़ने का तरीका क्या है, हमें स्मार्ट वर्क करना ज्यादा पसंद है रादर देन हार्ड वर्क। तो आओ करते इस चैप्टर को डिकोड ऐसे जैसे हम और लियोनार्डो द विंची के पर्प होते हैं। अब तुम्हें पता है यार, अगर वेब सीरीज देखते हो कुछ खाने को मिल जाए ना भाई, तो क्या ही कहने। तो ऐसे यार मैं खा रहा था बनाना चिप्स और फिर मेरे दिमाग पे आया कि यार ये बनते कैसे होंगे। तो फिर मैंने यार गूगल पे सर्च किया और देखा कि अच्छा ये तो बनता है फैक्ट्रीज पे। फैक्ट्रीज में यार कच्चे सामान को ना ऐसे स्वादिष्ट सामान में बदल देते हैं, जैसे कि ये बनाना चिप्स है। तो फिर मुझे समझ आया, अच्छा भाई ऐसा होता है मैन्युफैक्चरिंग। क्या बात है। अब यार मुद्दे की बात करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। या फिर ये जो भोजरी वाले चचा है ना, ये पूछ देंगे यार बताओ एक कंट्री के अंदर में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मैन्युफैक्चरिंग को बैकबोन क्यों माना जाता है। कि अगर कंट्री के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग हुआ ना तो कंट्री तो एकदम बिंदास रहेगा, और अगर नहीं हुआ तो भाई साहब क्या ही कहने उनके फिर। तो ऐसा इसलिए क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हुआ तो यार एग्रीकल्चर जो है मॉडर्नाइज हो जाएगा। और ये सिर्फ एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज ही नहीं करता, ये लोगों को ऑप्शन भी देता है कि अगर तुम्हें एग्रीकल्चर पर काम नहीं करना है तो तुम काम कर सकते हो टर्शियरी और सेकेंडरी सेक्टर पर। जिससे कि यार देखो होगा क्या, गरीबी अनएम्प्लॉयमेंट ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएगा। और अगर हमें कंट्री के अंदर में रीजनल डिस्पैरिटीज़ को ख़त्म करना है, यानी कि कोई जगह यार बहुत ही डेवलप्ड होता है और कोई जगह यार बहुत ही अंडर डेवलप्ड होता है, तो ये चीज़ों को अगर ख़त्म करना है तो हमें इंडस्ट्रीज यार बैकवर्ड रीजन पर सेटअप करना चाहिए, जिससे कि सारी लोगों को बराबर फ़ायदा हो, समझ रहे हो। और आखिर में यार अगर कंट्री के अंदर में बहुत ही जोरों शोरों से मैन्युफैक्चरिंग होता है ना, तो कंट्री के अंदर में अच्छे दिन आने देर नहीं लगेंगे। जैसे कि चाइना का आ चुका है, पता नहीं हमारा कब आएगा। तो इसी बीच अगर तुम्हें कहीं से भी लग रहा है कि अगर एक कंट्री को डेवलप होने के लिए इंडस्ट्रीज का इतना ही इंपॉर्टेंट रोल है, तो क्यों ना हम एग्रीकल्चर को इग्नोर कर देते हैं। देखो भाई ऐसा नहीं होता, एक के बिना तो दूसरा चल ही नहीं पाएगा, यानी कि एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। जैसे कि यार अगर एग्रीकल्चर देता है रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज को, तो इसके बदले में इंडस्ट्रीज भी काफ़ी सारी चीज़ें देता है, जैसे कि मशीन, फर्टिलाइजर, इरिगेशन पाइप और ऐसे कई सारी चीज़ें, जिससे कि एग्रीकल्चर के अंदर में प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जा सके। तो इसलिए तुम कह सकते हो कि इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिल के ही चलना पड़ेगा। और साथ से याद आया भाई, साथ तो हमें भी किसी का चाहिए था, बट इसी बीच जब इस तरीके का पोस्ट देखते ना इंस्टाग्राम पे, तो यार दिल तो यही करता है कि सस्ता सा हार्पिक पी के निपट ही लेते हैं। हमारे लिए दुनिया पे कुछ रखा नहीं है भाई साहब, सब तो मोह माया है। इसके बाद यार देखते हैं कि इंडस्ट्रीज ने हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए क्या किया, यानी कि उनका कंट्रीब्यूशन कितना है। तो देखो पिछले 20 सालों से, यानी कि 2 डिकेड से, इंडस्ट्रीज ने हमारे GDP में 17% का कंट्रीब्यूशन किया है, जो कि बहुत ही कम है अगर तुम देखो इसे ईस्ट एशियन इकोनॉमीज से, जैसे कि जापान, चाइना और साउथ कोरिया, जहाँ यार 25 से लेकर 35% का कंट्रीब्यूशन रहता है। इसके अलावा अगर हम ग्रोथ रेट का बात करें ना ये इंडस्ट्रीज़ का, तो ये है 7% पर एनम, यानी कि हर साल यार, जबकि ये होना कितना चाहिए था 12%। तो इससे तुम्हें पता चल गया हो कि इंडस्ट्रीज़ का परफॉर्मेंस इतना खास नहीं है इंडिया के अंदर में। बट हमने 2003 के बाद से देखा कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। अब क्या है कि 9 से लेकर 10% का ग्रोथ रेट हम हर साल देखते हैं, और इसका जो पूरा क्रेडिट जाता है NMCC को, यानी कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कंपिटिटिव काउंसिल। इसने यार काफ़ी सारे काम किए जिसके वजह से इंडिया के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग को जोरों शोरों से प्रमोट किया गया। और हम उम्मीद यही करते हैं कि इंडस्ट्रीज़ का परफॉर्मेंस इंडिया के अंदर में और बढ़े, एटलीस्ट हम चाइना को तो बीट कर ही दें। अब यार मान लो कि तुम इंडिया के चुनिंदे लौंडों में से हो, जिन्हें ये समझ आ चुका है कि गवर्नमेंट जॉब से ही सब कुछ नहीं होता भाई, हमें तो यार अपने खुद से कुछ करना है। और इसी चक्कर में तुमने सोचा यार मैं तो खोलूँगा इंडस्ट्रीज़। तो अब बताओ तुम कहाँ खोलोगे अपना इंडस्ट्री, एक ऐसे जगह पे जहाँ तुम्हें आसानी से मिल जाए रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर सप्लाई, मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर। सही कहा ना मैंने, तुम अपना इंडस्ट्री से एक ऐसे जगह में सेटअप करना चाहोगे जहाँ में ये सारी चीज़ें तुम्हें आसानी से मिल जाए। अब देखो जहाँ मैन्युफैक्चरिंग जोरों शोरों से होता है वहाँ कई सारे इंडस्ट्रीज खुलता है, और यही चीज़ को कहते हैं हम इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो कहा गया यहाँ में कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन दोनों एक ही साथ चलता है। अगर कहीं पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो वहाँ अर्बनाइजेशन आसानी से हो जाएगा। बट देखो कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, कोई कोई यार सिटीज़ का लोकेशन इतना खास होता है कि वहाँ इंडस्ट्रीज चले आते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं? देखो यार कुछ सिटीज़ इतना खास लोकेशन पे होता है
जो कि उन्हें मार्केट और सर्विस आसानी से दे पाता है, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन। तो इतने सारे चीज़ें जब आसानी से कोई एक जगह पे मिल जाता है तो इंडस्ट्रीज़ को भी लगता है कि चलो यही जगह हम अपना इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करते हैं। तो दोनों एक साथ चलता है, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन। कभी कभी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अर्बनाइजेशन होता है और कभी कभी अर्बनाइजेशन की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, समझ गए। और इसी से एक कॉन्सेप्ट है अर्बन एग्लोमरेशन, यानी कि जब कई सारे इंडस्ट्रीज़ एक साथ मिल के आके एक अर्बन सेंटर पे अपना इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही खास लोकेशन पे है जिससे उन्हें फ़ायदा मिलता है। तो इसी प्रोसेस को कहता है अर्बन एग्लोमरेशन। तो इसके बाद है यार क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब देखो ज्योग्राफी और क्लासिफिकेशन का भाई जन्म जन्म गनाता है, बट यार इस रिश्ते को निभाने में ना हमारा फट जाता है भाई साहब, क्या ही बताए। कर्जा भोसड़ी के मर जाएगा मेरे हाथ से। खैर यार, जो पहला क्लासिफिकेशन है वो है रॉ मटेरियल के बेसिस पे, जहाँ यार पहला एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और दूसरा है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। फिर हम इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर सकते हैं उनके काम के हिसाब से कि वो करते क्या है। बेसिकली इनमें पहला है की या बेसिक इंडस्ट्रीज, ये यार जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो यार दूसरे इंडस्ट्रीज एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है कंज्यूमर इंडस्ट्री, यहाँ यार जो भी बनाया जाएगा वो सीधा हम कंज्यूम करेंगे। फिर हम इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर सकते हैं कि हमने इंडस्ट्रीज पे कितना पैसा लगाया है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये भी फिर दो तरीके का होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हम उन्हें कहते हैं जिनके अंदर 1 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट किया गया हो, और उससे ज़्यादा किया गया तो उन्हें हम कहेंगे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। और इसी के साथ साथ हम इंडस्ट्रीज़ को क्लासिफाई कर सकते हैं ओनरशिप के बेसिस पे, जहाँ पहला होता है पब्लिक सेक्टर जो कि गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। फिर आता है प्राइवेट सेक्टर जिसके अंदर में कोई प्राइवेट इंडिविजुअल कंट्रोल करता है इंडस्ट्रीज़ को। फिर तीसरा जॉइंट सेक्टर, जहाँ क्या होता है प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिल के काम करते हैं। इसके बाद है कोऑपरेटिव सेक्टर, यहाँ क्या होता है कई सारे लोग एक साथ मिल के एक इंडस्ट्री खड़ा करता है, जैसे कि हमने गुजरात और राजस्थान पर देखा है अमूल डेयरी। और आखिरी तरीका जिससे हम इंडस्ट्रीज़ को क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो इंडस्ट्रीज़ क्या प्रोड्यूस कर रहा है, अगर वो कोई भारी चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है तो हम उसे कहेंगे हैवी इंडस्ट्रीज़, और अगर कोई हल्का चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है तब हम उसे कहेंगे लाइट इंडस्ट्रीज़। अब जो मैंने तुम्हें इतना सारे क्लासिफिकेशन बताया इंडस्ट्रीज़ का, हमें इनमें से बस ध्यान देना है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, जिसके अंदर पहला है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ और दूसरा है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। तो पहले देखते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को, इसके अंदर पहला है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। अब देखो ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, ये भी दो तरीके का है, पहला है कॉटन टेक्सटाइल, दूसरा है जूट टेक्सटाइल। तो हम यार शुरुआत करते हैं कॉटन टेक्सटाइल से। एक मिनट रुको यार, इससे पहले कि हम शुरुआत करें कॉटन टेक्सटाइल को, तुम लोगों के लिए एक यूपीएससी लेवल वाला सवाल। इंडिया के अंदर में पहला कॉटन टेक्सटाइल मिल कहाँ बना था और कब बना था? देखता हूँ यार कमेंट्स में तुम्हें से कौन बता पाता है इसका सही जवाब। अब देखो यहाँ से अगर मैं सीधा बढ़ जाऊँ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को समझाने तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। तुम यार पहले समझ लो इंडस्ट्रीज़ के अंदर में कॉटन बनता कैसे है, फिर तुम समझ पाओगे कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर में प्रॉब्लम क्या क्या है। तो सबसे पहला स्टेप होता है कच्चे कॉटन को हम धागे में कन्वर्ट करते हैं एक प्रोसेस से जिसका नाम है गिनिंग। फिर इस धागे को हम स्पिनिंग की मदद से यार्न में कन्वर्ट करते हैं। फिर एक प्रोसेस है वेविंग जिसके मदद से हम इस यार्न को कन्वर्ट करते हैं एक फैब्रिक पे। और फाइनली हम इस फैब्रिक को बनाते हैं गारमेंट यानी कि कपड़ा, जिसके अंदर हम करते हैं इसके अंदर डाइंग एंड फिनिशिंग। ठीक है, अब इतना समझने के बाद अब बढ़ते टॉपिक की ओर। देखो इंडिया में शुरुआती समय पर ना इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ पाया जाता था महाराष्ट्र और गुजरात पे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यार यहाँ आसानी से मिल जाता था कच्चा कॉटन, सस्ता लेबर और मॉइस्चर क्लाइमेट। अब इस इंडस्ट्री के बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊँ, ये वो इंडस्ट्री है जो सिर्फ लोगों को रोजगार ही नहीं देता, आसपास के जो इंडस्ट्रीज है ना उन्हें भी सपोर्ट करता है, जैसे कि यार केमिकल, डाइंग, पैकेजिंग इंडस्ट्रीज, इन सबको भी ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। और यार इंडिया तो यार टॉप क्लास लेवल का प्रोडक्शन करता है कॉटन का, स्पेशली जो यार्न है ना इसे तो हम कई कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि यार अमेरिका, जापान, यूके और कई सारे कंट्रीज। इतने सारे चीज़ होने के बावजूद इस इंडस्ट्री के अंदर में एक प्रॉब्लम है। देखो वो जो वेविंग के बाद जो फैब्रिक निकलता है ना कॉटन का, ये इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं होता इंडिया के अंदर में। देखो हम यार्न तो बहुत अच्छा बना लेते हैं स्पिनिंग के बाद, बट हमारे पास उतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसके वजह से जब हम इस यार्न को फैब्रिक में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का बनता है।
इन सब के कारण इस इंडस्ट्रीज को जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है वो है या यार सही तरीके से इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और जो भी मशीनरीज है इस इंडस्ट्रीज के अंदर में वो काफ़ी पुराना हो चुका है, हमें ज़रूरत है कि इसे अपग्रेड करें। फिर जो लेबर है उनका प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी कम है, और जो सबसे बड़ा चैलेंज इस इंडस्ट्री को फेस करना पड़ रहा है वो है सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री के द्वारा। देखो सिंथेटिक फाइबर में क्या होता है, आर्टिफिशियली हम कोई चीज़ बनाते हैं, तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री से काफ़ी चैलेंज झेलना पड़ रहा है, और सिमिलर कंडीशन हम देखेंगे जूट इंडस्ट्री के साथ भी। तो बढ़ते हैं हम अभी जूट इंडस्ट्री में। देखो इंडिया ना दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है रॉ जूट, बट यही चीज़ एक्सपोर्ट के मामले पे हम दूसरे नंबर पे आते हैं, पहला है बांग्लादेश। अब देखो यार तुम्हें सुन के ये अजीब लगेगा, इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का, फिर भी जो फैक्ट्रीज यानी कि मिल इंडिया के अंदर में ज़्यादातर पाया जाता है वो वेस्ट बंगाल के एक छोटे से एरिया हुगली रिवर के पास पाया जाता है। तो तुम यार सोच रहे हो हैं ऐसा कैसे, ऐसा ऐसे है भाई साहब, क्योंकि देखो इंडिया में जितने भी जूट का प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादातर इजी एरिया पे होता है, और यहाँ एक जगह से दूसरा जगह रॉ मटेरियल को पहुँचाने में हम वाटरवे का इस्तेमाल करते हैं जो कि काफ़ी सस्ता पड़ता है हमें, और तीसरा यहाँ यार रेलवे का भी कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है, और फिर यहाँ तुम्हें सस्ता लेबर भी मिल जाएगा क्योंकि यार आसपास बिहार यूपी जैसे स्टेट है जहाँ में लेबर का कोई कमी नहीं है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके वजह से तुम्हें ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ ये हुगली रिवर के आसपास देखने मिलेगा, क्योंकि देखो बहुत ही सामने पड़ता है कलकत्ता जो कि है एक अर्बन सेंटर जहाँ तुम्हें जितने भी फैसिलिटीज़ है जैसे कि बैंकिंग इंश्योरेंस और भी कई सारे फैसिलिटीज़ तुम्हें आसानी से मिल जाएंगे। अब ये तो मैंने तुम्हें कई अच्छी चीज़ें बताई है जूट इंडस्ट्री का, बट यार मैंने शुरुआत में बताया कि इस इंडस्ट्रीज़ के साथ भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं। पहला चीज़ देखो यार जूट जो एक फाइबर है ये कोई सस्ता फाइबर नहीं है, काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो इसके वजह से मार्केट के अंदर में काफ़ी सारे सिंथेटिक फाइबर्स आ चुका है जो कि सस्ता भी है और टिकाऊ भी है, जो कि इस इंडस्ट्री को टफ कंपटीशन दे रहा है, और साथ ही साथ इंटरनेशनली भी इंडिया के जूट इंडस्ट्री को टफ कंपटीशन मिल रहा है बांग्लादेश ब्राज़ील और इजिप्ट जैसे कंट्रीज से। बाकी देखो यार इस इंडस्ट्री का फ्यूचर तो अच्छा है, क्योंकि देखो जूट एक ऐसा फाइबर है जो कि इन्वायरमेंट के लिए तो अच्छा है, बट इसका कॉस्ट एक प्रॉब्लम है, अगर हम किसी तरीके से इसका कीमत को कमा लेना तो शायद हमारे लिए ये इन फ्यूचर में अच्छा हो सकता है, देखते आगे क्या होता है। बट अभी हम बढ़ते हैं शुगर इंडस्ट्री की ओर। तो जब बात आता है शुगर इंडस्ट्री का तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गुड़ और खंडसारी का। अब यार देखो मेरा यार यूपी और बिहार वाले लोगों से एक हैवी रिक्वेस्ट है कि तुम मुझे बताओ ये खंडसारी होता क्या है, मैंने इंटरनेट पे भी काफ़ी ढूंढा है मुझे नहीं मिला भाई। अब मैं ये रिक्वेस्ट यूपी और बिहार वालों से ही क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो यार 60% जो मिल यानी कि फैक्ट्रीज है ना शुगर का वो पाया जाता है यूपी और बिहार पे। तो यार अगर तुम लोगों से कोई जानते हो तो कमेंट्स में बताओ यार प्लीज़, बहुत जानने दिल हो रहा है मुझे। बट यार यूपी और बिहार वालों के लिए एक दुख की बात है, कुछ समय से क्या हो रहा है जो ये मिल यानी कि फैक्ट्रीज जो होता है ना शुगर का ये शिफ्ट हो रहा है सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स पे, स्पेशली बोलूँ तो महाराष्ट्र पे। अब ऐसा क्यों हो रहा है बताओ, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो शुगर केन है ना जो इन स्टेट्स पे पाया जा रहा है स्पेशली बोलूँ तो महाराष्ट्र पे, वहाँ में सुक्रोज का कंटेंट हाई है। देखो सुक्रोज यानी कि मिठास, इनके जो गन्ने हैं इन पे मिठास जो है बहुत ही ज़्यादा है, साथ ही साथ यहाँ का क्लाइमेट भी काफ़ी सूटेबल है इनके लिए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि देखो शुगर इंडस्ट्री ना कोई एक इंडिविजुअल नहीं चला सकता है, कई सारे लोग मिलके एक कोऑपरेटिव सिस्टम से चलाते हैं इसे, तो कोऑपरेटिव सिस्टम जो है इन स्टेट्स में काफ़ी सक्सेसफुल देखा गया है। तो इसके वजह से जो इंडस्ट्रीज है या फिर जो मिल है वो शिफ्ट हो रहा ज़्यादातर साउदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स की ओर। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ चैलेंजेस का इस इंडस्ट्री को लेके, तो देखो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि ये जो इंडस्ट्री है वो एक सीजनल इंडस्ट्री है, कुछ साल तो काम चलता है उसके बाद काम नहीं चलता है, और इसी की वजह से ये इंडस्ट्री पे ज़्यादातर जो काम होता है वो कोऑपरेटिव सेक्टर का होता है, कोई इंडिविजुअल कुछ 2-3 महीने 6 महीने के लिए नहीं चला सकता वो इंडस्ट्री, समझ रहे हो। और दूसरा चीज़ जो भी टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट हम इस्तेमाल करते हैं इसके प्रोडक्शन पे वो भी काफ़ी पुराना हो चुका है, जरूरत है कि हम अपग्रेडेशन करें इन्हें। और आखिरी चीज़ देखो ट्रांसपोर्टेशन में डिले होना, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। अब देखो यहाँ हमने कंप्लीट कर लिया है एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज़ को, इसके बाद हम बढ़ते हैं मिनरल वेस्ट इंडस्ट्री की ओर, जिसके अंदर इन 5 इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानना है हमें। और जानने से याद आया अगर तुम लोग जानना चाहते हो कि मेरे आवाज़ को क्या हो गया है, तो भाई साहब सर्दी इतना लगा है ना कि
क्या बताओ, फिर भी यार तुम लोगों के लिए वीडियो बना रहा हो क्योंकि यार एग्ज़ाम भी पास आने वाला है, समझता हूँ मैं। तो यार एनर्जी लेवल हो सकता है थोड़ा लो, तुम लोग यार देख लेना। आइए देखते हैं बैठकर मजा आएगा। खैर यार, मिनरल बेस इंडस्ट्री के अंदर पहला है हमारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब देखो, आयरन और स्टील इंडस्ट्री को कहा जाता है कि ये है बेसिक और हैवी इंडस्ट्री। ऐसा क्यों कहा जाता है? देखो, जितने भी दूसरे इंडस्ट्रीज है ये इनके ऊपर डिपेंड रहते हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़, ये जो भी रॉ मटेरियल बनाते हैं या फिनिश प्रोडक्ट होता है वो बहुत ही भारी होता है। फिर यार अगर बात हो आयरन और स्टील का प्रोडक्शन का, तो इंडिया आता है दूसरे नंबर पर क्रूड स्टील का प्रोडक्शन में, और पहले नंबर पे आता है स्पॉन्ज आयरन के प्रोडक्शन के। और इंडिया के अंदर में मैक्सिमम जो तुम्हें आयरन और स्टील इंडस्ट्री का फैक्ट्री दिखने मिलेगा, इस छोटा नागपुर प्लेटू में देखने मिलता है। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि इंडिया के अंदर में ज़्यादातर आयरन और स्टील इसी एरिया में पाया जाता है। तो इसी से यार तुम लोगों के लिए फिर से एक यूपीएससी लेवल वाला सवाल, तो मुझे बताओ कि इंडिया के अंदर में पहला आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहाँ बना था, किसने बनाया था और कब बनाया था? थोड़ा डिफिकल्ट है बट ट्राई करो। इसके बाद जैसे हर इंडस्ट्री के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, यहाँ भी प्रॉब्लम है। अब देखो, ये जो इंडस्ट्री है पूरी तरीके से डिपेंड है कुकिंग कोल के ऊपर, बट प्रॉब्लम यहाँ में ये है कि जो इसका प्राइस है बहुत ही हाई रहता है, साथ ही साथ ये इंडिया के अंदर में मिलता भी कम है। और दूसरा यार देखो, लेबर का प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी लो है, और एनर्जी सप्लाई का क्या बात करूँ भाई, इरेगुलर होता है, बहुत प्रॉब्लम है। अगर एनर्जी सप्लाई होता सही तो कोल का ज़रूरत ही नहीं पड़ता ना, समझ रहे हो बात। एनर्जी सप्लाई भी बहुत ही गंदा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का बात इंडिया में तो क्या ही करूँ। पता है तुम्हें, आम लोगों के लिए सड़कें ठीक ठाक नहीं है, तो इंडस्ट्रीज़ का तो क्या ही बात करें। तो इसके बाद है एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। तो क्या तुम्हें पता है इस इंडस्ट्री को एल्युमिनियम मेल्टिंग इंडस्ट्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो, एक रॉ मटेरियल है बॉक्साइट, जिसे हम खोद के निकालते हैं ज़मीन से, फिर हम इसे इंडस्ट्रीज पे करते हैं रिफाइन और बनाते हैं एक पाउडर जिसका नाम है एलुमिना। फिर हम इस पाउडर को मेल्ट करते हैं और बनाते हैं एल्युमिनियम। तो यार इसीलिए हमने इस इंडस्ट्री का नाम भी रखा एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। अब ये इंडस्ट्री इंडिया का सेकेंड मोस्ट मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्री है आफ्टर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब ये मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्री क्या है बोले तो, ऐसे इंडस्ट्री जो मेटल का प्रोडक्शन करते हैं, समझ रहे हो। तो पहले हमने आयरन देखा, फिर हमने देखा अभी एल्युमिनियम, ठीक है। तो अगर अब तुम सोच रहे हो कि अगर ये इंडस्ट्री इतना ही इंपॉर्टेंट है तो इसका यूजेस कहाँ का है, तो देखो इसे मैन्युफैक्चर करने में यूज़ किया जाता है एयरक्राफ्ट का, यूटेंसिल्स और वायर्स का। और कुछ समय से देखा गया है कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर में स्टील, क्रॉपर, जिंक, लिड, ऐसे जो मेटल्स है इन सबको रिप्लेस कर दिया है एल्युमिनियम ने, मतलब ये उसके जगह में बेटर काम कर पा रहे, समझ रहे हो, इसलिए इंडस्ट्रीज़ इन्हें ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, सवाल उठता है, कुछ तो खास बात होगा ना इसमें। तो देखो, पहला चीज़ तो ये बहुत ही हल्का होता है, ठीक। दूसरा चीज़, दूसरे मेटल के मुकाबले यहाँ जंग लगने का खतरा ना के बराबर है। तीसरा, ये बहुत ही गुड कंडक्टर है हीट का, और ये एक मैल्यूएबल मेटल है, यानी कि तुम इसे आसानी से गला सकते हो, पिघला सकते हो। और जो सबसे खास बात, अगर तुम एल्युमिनियम को दूसरे मेटल के साथ मिला दो तो ना ये ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता है, तो इसलिए आजकल इंडस्ट्रीज ज़्यादा प्रेफर करते हैं एल्युमिनियम को। अब देखो, इंडिया के अंदर में एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री को चुनिंदे 8 एरियाज में पाया जाता है, जो कि मैंने यहाँ दे दिया है, मैं डिटेल में नहीं बता रहा, ये मैप बेस्ड क्वेश्चन में हम देख लेंगे। इसके बाद है यार केमिकल इंडस्ट्री। ये देखो बहुत ही खास तरह का इंडस्ट्री है, जो कि अपना जितना भी प्रोडक्शन होता है खुद से यूज़ कर लेता है, पूरा आत्मनिर्भर भाई साहब। ये जो इंडस्ट्री है ना, ये दो सेक्टर्स पे बैठा हुआ है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सेक्टर। जो ऑर्गेनिक सेक्टर होता है ना, वो इस्तेमाल करता है ऑर्गेनिक केमिकल्स का, जैसे कि पेट्रोकेमिकल, जिसका इस्तेमाल करके तुम बना सकते हो सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, ETC। और जो दूसरा सेक्टर है वो है इनऑर्गेनिक सेक्टर। यहाँ यार इनऑर्गेनिक केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सल्फ्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अल्कलाइन, सोडा एश। इन सारी चीज़ों से तुम बना सकते हो ग्लास, साबुन, पेंट और कई सारी चीज़ें भाई। और एक चीज़ जो बहुत ही अजीब इस इंडस्ट्री के साथ, इनका जो लोकेशन, जो ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है ऑयल रिफाइनरीज के पास, जबकि जो इनऑर्गेनिक केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं ये इंडस्ट्रीज पूरे देश भर में फैला हुआ है। फिर यार आता है हमारा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। तो देखो, इंडिया जैसे कंट्री पे जहाँ एग्रीकल्चर बहुत ही डोमिनेंट सेक्टर है, यहाँ हमें ज़रूरत पड़ता है फर्टिलाइजर्स का, ठीक है। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। इंडिया के अंदर में जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है वो ज़्यादातर बनाता है नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, जिसे हम कहते हैं यूरिया।
इसके अलावा कुछ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर भी बनता है जिसे बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटैश। फिर देखो ये जो फर्टिलाइजर के अंदर में जो नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर यूरिया है ना, इसका प्रोडक्शन पे इंडिया आता है तीसरे नंबर पे। बट देखो ये जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है इसके अंदर में एक चीज़ पाया जाता है पोटैश, ये इंडिया में कहीं भी नहीं पाया जाता है, तो इस चीज़ को हम पूरी तरीके से बाहर से मंगाते हैं। और आखिरी चीज़, इंडिया के अंदर में आधा से भी ज़्यादा इंडस्ट्रीज तुम्हें मिलेगा गुजरात पे, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला, ये स्टेट्स पे। फिर यार मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर में जो आखिरी इंडस्ट्री है सीमेंट इंडस्ट्री, ये यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है हमारे लिए। जितने भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होता है जैसे कि बिल्डिंग बनाना हो, रास्ता बनाना हो, ब्रिजेस बनाना हो, हमें चाहिए सीमेंट, बिना सीमेंट के सब नहीं हो सकता। तो इंडिया के अंदर में जो पहला सीमेंट प्लांट बना था ना वो 1904 को बना था। बट आज के समय पे जो ज़्यादातर तुम्हें इंडस्ट्रीज दिखेगा वो दिखेगा गुजरात पे, और आज़ादी के बाद से लेके अब तक इस इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा देखा गया है। इतना अच्छा कि ये कंट्री के लिए तो प्रोडक्शन करता करता ही है, साथ साथ ये कई सारे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट भी करता है, जैसे कि यार गल्फ कंट्रीज हो, अफ्रीका, साउथ एशिया और ऐसे ही कई सारे कंट्री जहाँ इंडिया अपना सीमेंट को बेचता है। अब देखो इन सब के अलावा दो इंडस्ट्रीज किताब के अंदर में दिया हुआ है, पहला है ऑटोमोबाइल और दूसरा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। ये दोनों को अलग से हमें पढ़ना पड़ेगा। तो पहले करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को। देखो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यानी कि गाड़ियाँ यार, सिंपली, जिससे कि हमें ट्रांसपोर्टेशन में आसानी होता है, चाहे हमारा हो या कोई सामान पहुँचाना हो, ठीक है। तो इंडिया के अंदर में ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है इसका ग्रोथ होना शुरू हुआ लिबरलाइजेशन के बाद। लिबरलाइजेशन के बाद ही क्यों, क्योंकि इससे पहले इंडिया के अंदर में फॉरेन कंपनीज का इन्वेस्टमेंट ना के बराबर था, गवर्नमेंट करने ही नहीं देता था उन्हें। बट लिबरलाइजेशन के बाद कोई भी फॉरेन कंपनी आके आसानी से हमारे कंट्री के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर सकता था। तो इन्वेस्टमेंट होता है, कई सारे FDIs आता है, जिसके वजह से नए नए टेक्नोलॉजीज इस इंडस्ट्री के अंदर में आता है, और जिसके वजह से ये इंडस्ट्री जो भी प्रोडक्ट बनाता है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड को मीट कर पाता है। और जो इंडिया के अंदर में कहाँ कहाँ ये इंडस्ट्रीज पाया जाता है ये सवाल है, तो ये पाया जाता है इंडिया के दिल्ली पे, गुड़गांव पे, महाराष्ट्र, पुणे, चेन्नई, इंदौर, और भाई लिस्ट बहुत लंबा है, ठीक है, कुछ याद रख लेना बस बहुत है। अब फिर यार देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री सब कुछ बनाता है, कैलकुलेटर से लेके कंप्यूटर, और ये इंडिया का एक लौता इंडस्ट्री है जो कि सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार देता है। मैक्सिमम लोग कहाँ जाना चाहते हैं भाई, IT सेक्टर पे, ठीक है, सबको पता है। और इसका जो कैपिटल है ना, IT सेक्टर कह लो या इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, वो है बैंगलोर। और जो ये IT इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर में लगातार ग्रो कर रहा है, क्योंकि देखो इंडिया के अंदर में हम देख रहे हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट बहुत ही जोरों जोरों से चल रहा है। तो अगर ऐसा होता रहा तो इस सेक्टर का फ्यूचर जो है बहुत ही ब्राइट रहेगा। खैर यार हमने काफ़ी सारे बात किया इंडस्ट्रीज़ के बारे में, अब हम बात करते हैं कि इंडस्ट्रीज़ के वजह से एनवायरनमेंट को क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। बहुत सारे तारीफें देखा हमने, इंडस्ट्री देश को बदल देता है, डेवलपमेंट लेके आ जाता है, रोजगार देता है, देता है भाई, बट कुछ अगर देता है ना तो उसके बदले में कुछ लेता भी है। क्या लेता है? हमारा एनवायरनमेंट को गंदा कर देता है भाई साहब। ये करता है एयर पोल्यूशन, ये करता है वाटर पोल्यूशन, ये करता है थर्मल पोल्यूशन, और ये करता है नॉइस पोल्यूशन। इन सब को देखते हैं डिटेल में। पहला, एयर पोल्यूशन होता कैसे है, इसका दो कारण है। पहला, कुछ ऐसे गैसेस जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हवा में पाया जाता है। दूसरा, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होता है सॉलिड या लिक्विड, जिससे क्रिएट होता है स्मोक और डस्ट। ये कैसे क्रिएट होता है? फैक्ट्रीज से या फिर फॉसिल फ्यूल को जलाने की वजह से। तो ये जो भी टॉक्सिक गैसेस है या फिर जो डस्ट पार्टिकल्स है, ये सारे ही हमारे लिए, प्लांट्स के लिए, हमारे एटमोसफेयर के लिए बुरा है भाई, बहुत ही खतरनाक है। दूसरा पोल्यूशन है वाटर पोल्यूशन, ये होता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक वेस्टेज जो होता है ना इंडस्ट्रीज़ का, जब वो रिवर पे छोड़ देते हैं तब। देखो जो इंडस्ट्रीज़ वाटर पोल्यूशन करता है वो है केमिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, डाइंग, पेट्रोलियम रिफाइनरीज। अब ये क्या करते, कई सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस को डंप कर देते हैं, जैसे कि यार एसिड, साल्ट, डिटर्जेंट, प्लास्टिक, रबर, ये ऐसे चीज़ है जो कि हमारा पानी को टॉक्सिक बना देते हैं। सचूतिया बात कुछ हो नहीं सकती।
फिर ये आ रहे हैं थर्मल पोल्यूशन। अब देखो थर्मल पोल्यूशन को कहते हैं हम थर्मल इनरिचमेंट। देखो यह होता क्या है कि जो वाटर बॉडी है ना उसका टेम्परेचर अचानक से बढ़ने या घटने लगता है वाटर के क्वालिटी के गंदा होने की वजह से। अब ये गंदा होता कैसे, देखो जो फैक्ट्रीज लोग होते हैं वो अपना काम करने के लिए जो वाटर का इस्तेमाल करते हैं ना वो क्या होता है गर्म होता है, तो उन्हें क्या करना चाहिए ठंडा करने के बाद उसे रिवर पे छोड़ना चाहिए, बट वो क्या करते बिना ठंडा किए ही उस पानी को छोड़ दिया रिवर पे, इससे वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है और इसी को कहते हैं थर्मल पोल्यूशन। और पोल्यूशन के लिस्ट में जो आखिरी पोल्यूशन है वो है नॉइस पोल्यूशन। ये बेसिकली किया जाता है इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के द्वारा, और जब भी नॉइस पोल्यूशन होता है आसपास तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है एनिमल्स पे भी और हम पे भी। अब इससे होता क्या है, फालतू में गुस्सा आने लगता है भाई साहब, इरिटेशन, ब्लड प्रेशर, बीपी सब हाई हो जाता है, और कहीं मिल गए ना सामने तुम पटक देंगे वही तुम्हें, सीधी बात है। नेवर, मजाक कर रहा था यार, बट यार देखो होता है जब भी कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है ना बगल अगल में, पता है रात के नींद भाई साहब वाइब्रेशन मोड में रख देते हैं सबको। चलो अब प्रॉब्लम देख लिया, अब सोल्यूशन का बात करते हैं। कैसे कम करोगे तुम एनवायरमेंटल पोल्यूशन को, वाटर का इस्तेमाल कम से कम करो, अगर कर भी रहे हो ना तो रिसाइकलिंग और रीयूज नाम का चीज़ होता है उसका ध्यान रखो। दूसरा बात, बारिश के पानी का हार्वेस्टिंग करो। तीसरा चीज़, जो हॉट वाटर होता है या पोल्यूटेड वाटर होता है जो कि इंडस्ट्रीज नदी पे छोड़ देते हैं, इसे पहले ट्रीट किया करो उसके बाद छोड़ा करो, ऐसे ही छोड़ दोगे तो इससे यार पता ही है तुम्हें वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। फिर यार देखो ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कितना करें इंडस्ट्रीज, उसके लिए एक कानून बनना चाहिए। और आखिरी चीज़, जितने भी इंडस्ट्रीज है उन्हें इको टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि इंडस्ट्रीज़ को ऐसे टेक्नोलॉजीज़ अडॉप्ट करना चाहिए जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, ना कि उससे इन्वायरमेंट को नेगेटिवली अफेक्ट करे, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने तुम्हें बताया इसे प्रैक्टिकली करके दिखाया है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने, जिन्हें हम कहते हैं NTPC। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले नए नए टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट किया जो कि इको फ्रेंडली है। दूसरा चीज़, इन्होंने अपना इंडस्ट्री का जो वेस्टेजेस है उसे मिनिमाइज़ करने के लिए जितना भी वेस्ट होता है उन्हें पहले जलाया, उनका राख बनाया, फिर उस राख से भी एनर्जी प्रोड्यूस किया, तो इससे क्या हुआ उनका वेस्ट भी यूज़ हो गया, समझ रहे हो। और तीसरा चीज़, ग्रीन बेल्ट को लगाना शुरू कर दिया, यानी कि पेड़ पौधे लगाओ भाई, एफॉरेस्टेशन करो, समझ गए। फिर यार देखो इन्होंने क्या किया, जितने भी अपना फैक्ट्रीज यानी कि जो प्लांट्स जगह जगह पे था वहाँ यार मॉनिटरिंग करना शुरू कर दिया कि यह सच में इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ काम किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। और आखिरी चीज़, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कम से कम करने के लिए अलग अलग वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करने लगे। अब इन सारी चीज़ों को देखने के बाद हम एक चीज़ तो प्राउडली कह सकते हैं कि इस कंपनी ने ऐसे ऐसे चीज़ें किया जिससे ये अपना प्रॉफिट को भी बढ़ा सकता है साथ ही साथ इन्वायरमेंट को भी बचा सकता है। काश ये सारे चीज़ें इंडिया में बैठे हुए और दुनिया में बैठे हुए सारे कंपनीज करें, तो फिर यार ये क्लाइमेट चेंज ये सब मतलब कुछ होगा ही नहीं भाई साहब, ना सब तो सॉल्व है ना फिर, बस हमें समझदार होना है, बट यही तो नहीं है, यही तो नहीं है भाई। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। खैर यार वीडियो काफी लंबा हो चुका है और पता है मुझे ये वीडियो थोड़ा बोरिंग था, बट क्या कर सकते हैं, तबीयत ठीक नहीं था तो मैंने यार ज्यादा जोक वोक भी ऐड नहीं किया यार, ठीक है जितना हो सके यार निपटा दिया मैंने इसे। तो यार ठीक है चैप्टर हो चुका है खत्म, मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में। बट यार जाते जाते यार तुम लोग सीधा जाओ और लाइक कर दो, कमेंट कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना मत, और जो सबसे इम्पोर्टेंट भाई शेयर करो, शेयर करो भाई का थोड़ा केयर करो। थैंक यू, लव यू ऑल। तो की हालचाल भाई और उनके बहनों, उम्मीद है तुम सब बड़े होते होगे। स्वागत है तुम लोगों का क्लास 10 ज्योग्राफी के आखिरी चैप्टर लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी पे। और तुम लोगों को तो पता ही हमारे पढ़ने का तरीका क्या है, हमें स्मार्ट वर्क करना ज्यादा पसंद है रादर देन हार्ड वर्क। तो आओ करते हैं चैप्टर को डिकोड ऐसे जैसे हम लियोनार्डो दा विंची के पर पोते। तो अगर तुम्हें जानना है कि एक कंट्री कितना डेवलप्ड है तो तुम्हें बस उस कंट्री का तीन चीज देखना है, उस कंट्री का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है, कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है और ट्रेड कैसा है। यानी कि तुम कह सकते हो ये तीनों चीजें लाइफलाइन है किसी भी कंट्री का।
अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ दुनिया का सबसे डेवलप्ड कंट्री यूएसए, दुनिया का सबसे ज्यादा रोड नेटवर्क यूएसए में है, दुनिया का सबसे ज्यादा रेलवे नेटवर्क यूएसए में है। ये तो था ट्रांसपोर्टेशन। कम्युनिकेशन का बात करूँ तो गूगल किसका है, यूट्यूब किसका है, यूएसए का है। और जहां तक की बात रहा ट्रेड का, तो पूरा दुनिया तो यूएसए ट्रेड करना चाहता है। तो इसे अब तुम्हें क्या समझ आया यार, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है और ट्रेड है, ये किसी भी कंट्री का लाइफ लाइन है। अच्छा, लाइफ लाइन से याद आया, चल तो रहा है अब वैलेंटाइंस डे का माहौल, निब्बा निब्बियों का तो सेट है लाइफ, उनके लिए ही चारों ओर माहौल बना हुआ है। ये मैं क्या करूं इस चीज का यार, चल उधर। उसके अलावा तुम्हें इस मौसम में दिखेगा कुछ दिल टूटे हुए आशिक, इनका कहानी सुनो। अबे यार इरशाद तो बोलो, शायरी देने वाला तुम लोगों के सामने। इरशाद इरशाद, तुम्हारे अलावा किसी को देखा नहीं हमने, तुम्हारे अलावा किसी को देखा नहीं हमने, सूख गया गुलाब का फूल, फेंका नहीं हमने। बस बस बस, फिर आते हैं हमारे जैसे मनहूस, निब्बा निब्बियों के खुशी से जलने वाले। जिंदगी हमारी रोज ले रही है, हम किसी को क्या रोज दे के प्रपोज करेंगे। खैर यार, ज्यादा इमोशन में नहीं बहते हुए टॉपिक पे आते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं ट्रांसपोर्टेशन से। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि चीजों को या हमें एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। अब चीजों को हम कई तरह से पहुंचा सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का। पहला तरीका है लैंड। अबे जमीन। पहला तरीका है जमीन, दूसरा तरीका है वाटर, और तीसरा तरीका है एयर। तो जमीन के अंदर में तीन तरीका है, रोडवे, रेलवे और पाइपलाइन। वाटरवे के अंदर में इनलैंड वाटरवे और ओवरसीज। अब इनलैंड वाटरवे का मतलब है जब तुम नदी का इस्तेमाल करते हो चीज़ों को पहुंचाने में, दैट्स इनलैंड वाटरवे। और जब तुम चीज़ों को एक कंट्री से दूसरे कंट्री बाय सी लेके जाते हो, दैट्स कॉल्ड ओवरसीज। और जो आखिरी तरीका है एयर, इसके अंदर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। तो जो सबसे पहला है जमीन के अंदर में रोड ट्रांसपोर्ट। जमीन। अब रोडवे के मामले पे तुम्हें पता ही है लार्जेस्ट रोड नेटवर्क यूएसए का है, बट दूसरा नंबर हमारा है, याद रखना। तो क्योंकि हमारा रोड नेटवर्क इतना बड़ा है, दुनिया में दूसरे नंबर पे आते हैं, तो हमने इसे छह तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है। पहला है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, दूसरा है नेशनल हाईवे, तीसरा स्टेट हाईवे, चौथा डिस्ट्रिक्ट हाईवे, पांचवा अदर हाईवे और आखिरी बॉर्डर रोड। जो पहला है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, ये इंडिया का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क का सिस्टम है जो कनेक्ट करता है इंडिया के चार मेगा सिटीज दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई। और बहुत ही स्पेसिफिकली बोलूं तो ये कनेक्ट करता है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक बाय नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, और फिर सिलचर यानी असम से पोरबंदर यानी कि गांधी जी के नगर तक कनेक्ट करता है बाय ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। और ये जो तुम्हें पूरा क्वाड्रिलेटरल टाइप का शेप बना हुआ रोड नेटवर्क दिख रहा है ना, इसे बनाया गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। फिर है नेशनल हाईवे, यानी कि ऐसे हाईवे जो फैसिलिटेट करता है इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट को। देखो सिंपली बोलूं तो ऐसे रास्ते जो कनेक्ट करता है इंडिया के जितने भी स्टेट के कैपिटल है उन्हें, और इसी के साथ ही साथ कैपिटल से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट सिटीज है उनके साथ भी कनेक्ट करने वाला रोड को कहते हैं नेशनल हाईवे। और इंडिया के अंदर में जो पहला नेशनल हाईवे बना था वो था NH1, जिसे हम जानते हैं शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से, जो कि कनेक्ट करता था दिल्ली से लेके अमृतसर यानी पंजाब तक। और इंडिया के अंदर में जो नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का जिम्मेवारी लेके रखा हुआ है CPWD ने, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। फिर आता है स्टेट हाईवे, यानी कि ऐसे रोड जो स्टेट के कैपिटल से उनके डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है, और इसे बनाने का जिम्मेदारी लेके रखा हुआ है PWD ने, यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। इसके बाद है डिस्ट्रिक्ट रोड, यानी कि ऐसे रोड जो एक स्टेट के अंदर में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है ना उससे जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट है स्टेट के अंदर में उसे कनेक्ट करता है, उन रोड को कहते हैं हम डिस्ट्रिक्ट रोड। फिर है अदर रोड, तुम इसे कह सकते हो रूरल रोड, गांव के जो सड़क है ना, कच्चे टूटे फूटे, ये है अदर रोड्स के अंदर में।
जो कि कनेक्ट करता है हमारे गांव विलेजेस को टाउन्स के साथ। और जिनका कंडीशन सही बोलो तो बहुत बुरा है इस समय इंडिया के अंदर में। हमारे गांधी जी ने कहा था एक समय, पता नहीं किसी को याद है कि नहीं ये बात, कि अगर हमें डेवलप करना है अपने कंट्री को तो सबसे पहले हमें अपने गांव को डेवलप करना पड़ेगा। बट इन प्रैक्टिकल गांव का हालत बहुत बुरा है। फिर भी इनके मेंटेनेंस के लिए जो भी खर्चा पानी लगता है वो दिया जाता है। एक गवर्नमेंट का स्कीम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके अंदर में गांव में जितने भी रोड्स है कच्चा रोड्स इन्हें पक्का बनाने का जितना ये फाइनेंस चाहिए होता है प्रोवाइड कराया जाता है। बट वो हमें पता है कि सड़क कितने बढ़िया बनते हैं सबको पता है, जो यार गांव में रहते हैं उन्हें तो स्पेशली पता है, मैं आगे ज़्यादा बोलूँगा नहीं। इसके बाद है यार बॉर्डर रोड। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें ना डायरेक्ट रोड के बारे में नहीं आ सकता है, बट जो बॉर्डर रोड को बनाता है ब्रो यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसके रोल के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो तुम्हें पता है कि बॉर्डर रोड बनाया जाता है ब्रो के द्वारा, और ये जो ब्रो है इसे बनाया गया था 1960s को। इसे बनाया गया था इस मोटिव के साथ कि ये जो हमारा नॉर्दर्न बॉर्डर है और जो नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर है यहाँ तक सड़कों को डेवलप करे, क्योंकि देखो ये एरियाज में डिफरेंट टेरेन यानी कि ऊबर खाबर पहाड़ों से भरे हुए एरियाज है जहाँ यार आसानी से सड़क नहीं बनते। तो ये ब्रो का जिम्मेदारी था कि इन जगह तक भी रोड्स बने जिससे कि हमारा कनेक्टिविटी बढ़े, और साथ ही साथ जब कनेक्टिविटी बढ़ेगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का स्कोप भी इन एरियाज के लिए खुलेगा। तो ये था 6 क्लासिफिकेशन। इसके अलावा ना देखो दो और क्लासिफिकेशन है, मेटल और अनमेटल रोड। अब तुमने बचपन में पढ़ा होगा कच्चा रोड पक्का रोड, तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है यार, मेटल रोड यानी पक्का रोड, अनमेटल यानी कच्चा रोड। मेटल रोड को बनाने के लिए चाहिए सीमेंट और कंक्रीट, ये बेसिकली जो शहरों पे रोड दिखता है तुम्हें वही है। और जो अनमेटल रोड है पता ही है तुम्हें, इन्हें बनाने के लिए मड और ग्रेवल्स बन जाता है इनसे, ये बेसिकली जो गांव में पाया जाता है रोड्स वही है। फिर हम बात करते हैं रोड नेटवर्क का कुछ एडवांटेजेस का। देखो पहला चीज़ तो रोड नेटवर्क को बनाना थोड़ा सस्ता रहता है रेलवे नेटवर्क से। दूसरा चीज़ ये जो पहाड़ी इलाके है यहाँ तुम रेलवे नेटवर्क को नहीं पहुँचा सकते बट रोड्स आसानी से पहुँचा जा सकता है। तीसरा अगर तुम्हें करना है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल तो इसमें भी रोड्स इकोनॉमिकल रहते हैं। और चौथा यार रोड प्रोवाइड करता है हमें डोर टू डोर सर्विस, जो भी चाहिए यार ऑर्डर करो जोमेटो से आ जाएगा तुम्हारे पास घर पे बिल्कुल। और आखिरी रोड यार दूसरे अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को भी सपोर्ट करता है। देखो कैसे, मान लो तुम्हें जाना है रेलवे स्टेशन, तुम कैसे जाओगे? अभी भी पैदल चल के जाएंगे। अबे मान लो पैदल नहीं जाना है टैक्सी से जाना है। नहीं बीबी टैक्सी क्यों जाएंगे, पैदल चल के जाएंगे, हेल्थ के लिए भी सही रहता है। अबे यार मान लो ना टैक्सी से चलोगे तुम। नहीं बीबी हमें मानना ही नहीं है, हम तो चलेंगे पैदल ही। अबे कौन लेके आया इसे यार, कंट्रोल कंट्रोल। सुनो मैं जाऊंगा जब रेलवे स्टेशन, तो मैं क्या करूंगा टैक्सी से जाऊंगा रास्ते से होके रेलवे स्टेशन, फिर वहां से मैं ट्रेन के पटरी से अपने गांव जाऊंगा, समझ गए? तो यह रोड एज ए फीडर यानी कि इंटरमीडियरी की तरह काम करता है। फिर यार बात करते हैं कि रोड नेटवर्क के साथ इंडिया के अंदर में प्रॉब्लम क्या क्या है। इंडिया में जितने भी रोड नेटवर्क है वो सफिशिएंट नहीं है, हमें और चाहिए। और जितने भी रोड है वो भी भरे हुए ट्रैफिक से कंजेस्टेड है, और रोड का हालत तो मैं क्या ही बताऊँ तुम्हें, पता है टूटा फूटा, मतलब यार हमारे यहाँ हालत तो कुछ ऐसा है बस तुम आधे किलोमीटर चलो और एक बड़ा सा गड्ढा जहाँ तुम गिरोगे तो बस अलग ही दुनिया में जाके निकलोगे। तो ऐसा कुछ आई गेस 50% इंडिया का हालत ऐसा ही है, मे बी मैं गलत हो सकता हूँ बट हमारे यहाँ तो भाई ऐसा ही है। अब तुम लोग का पता नहीं, मुझे तुम लोग मुझे बता सकते हो कमेंट्स में कि तुम लोग की सड़क कैसा है, बड़ा सा गड्ढा दिखता है कि नहीं दिखता है जहाँ तुम बरसात के मौसम में नहा तक सकते हो। फिर हम बात करते हैं रेलवे का। देखो अगर तुम्हें लेके जाना है कोई भारी चीज़ बहुत ही भारी तो इसके लिए तो बेस्ट है रेलवे। इंडिया के अंदर में रेलवे पहली बार अंग्रेजों ने शुरू किया था, और जो पहला पैसेंजर ट्रेन इंडिया के अंदर में चला था 1853 को मुंबई से लेकर थाने तक, आई गेस इसने कवर किया था 34 किलोमीटर के आसपास। हाँ और तुम्हें शायद पता है कि नहीं पता बट इंडिया तीसरे नंबर पे आता है दुनिया के अंदर में रेलवे नेटवर्क के मामले पे। तो पूरा जो रेलवे नेटवर्क है इंडिया के अंदर इसे हमने 16 नहीं, किताब में 16 लिखा हुआ है गलत है 18, इस समय 18 है, 18 जोन्स में बांटा हुआ है। अब यार ध्यान दो, एक क्वेश्चन है कि इंडिया के अंदर में ना रेलवे लाइंस को कंस्ट्रक्ट करने में क्या चैलेंजेस आते हैं, तो हम यहाँ में रीजन वाइज बात करेंगे। तो जो पहला प्रॉब्लम है नॉर्दर्न प्लेन पे,
नॉर्दर्न प्लेन बोलो तो राजस्थान से लेके जो बिहार और वेस्ट बंगाल तक का रीजन है, इसे तुम कह सकते हो नॉर्दर्न प्लेन। तो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि रिवर्स बहुत ज़्यादा है यार। तो जब हम रेलवे लाइंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा ब्रिजेस बनाना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी डिस्टेंस कवर करने के बाद एक रिवर आता है। अब इस रिवर को पार करने के लिए हमें एक ब्रिज बनाना पड़ता है, जो कि एक प्रॉब्लम है आई गेस। हाँ, दूसरा ये जो पेनिनसुलर रीजन है, यानी कि सदर्न इंडिया का बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ क्या होता है रेलवे ट्रैक को बिछाने में बहुत ही डिफ़िकल्टीज होता है, पहाड़ बहुत ज़्यादा इधर। तो हमें क्या करना होता है, टनल्स बनाना होता है और पहाड़ों के बीचों से ये रेलवे ट्रैक को लेके जाना पड़ता है। तो डिफ़िकल्टी है यहाँ भी। और जो आखिरी रीजन इंडिया का, हिमालयन माउंटेन के आसपास का जो भी है एरियाज, यहाँ तो भाई रेलवे लाइंस को पहुँचाना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन के बराबर है भाई। पहाड़ इतने बड़े बड़े हैं, अप्स एंड डाउन्स, बहुत ही डिफ़िकल्ट है कंस्ट्रक्ट करना एक रेलवे नेटवर्क। इसलिए तुम देखोगे भी जो स्पेशली हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ना, यहाँ रेलवे नेटवर्क बहुत ही कम है। अब ये तो था चैलेंजेस रेलवे को कंस्ट्रक्ट करने में, बट यहाँ इंडियन रेलवे को चलाने के लिए भी ना कई सारे प्रॉब्लम्स आता है। जैसे कि यहाँ लोग बिना टिकट के ट्रैवल करते हैं ट्रेन पे, साथ ही साथ लोग यार चोरी, डैमेजेस ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी, ये सब भी हमें काफ़ी ज़्यादा देखने मिलता है। रिसेंटली यार देखा हमने, स्टूडेंट्स यार प्रोटेस्ट कर रहे थे गवर्नमेंट के खिलाफ, शायद रेलवे का एग्ज़ाम्स को लेके कुछ सीन था। तो डिमांड चल रहा था, बातचीत चल रहा था, बट अचानक से क्या होता है, उन्हें शायद गुस्सा आ जाता है, कुछ भी होता है, वो लोग क्या करते हैं यार, पूरा ट्रेन को जला देते। तो ऐसा चीज़ होता है यार इंडिया में, क्या बात करें, अब रिएक्ट नहीं कर पाता मैं ये सब चीज़ों में, बस बहुत ही नॉर्मल सोच के चला जाता हूँ, बट है नहीं नॉर्मल, ठीक है। और आखिरी जो है, ये बकचोदी तो हमने बचपन में हमेशा करने का सोचा बहुत है यार, जो ट्रेन का चेन होता है ना लाल कलर का, सोचते कि खींच दे और ट्रेन को रोक के बाहर जाके यार थोड़ा मस्ती करके आए, बट करते नहीं है, करते तो पता नहीं पुलिस पकड़ के समझ रहे हो। फिर यार चलो बात करते हैं अब पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का, काफ़ी नया है ये। तो शुरुआती तौर पे तो हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ पानी को ट्रांसपोर्ट करने में इस्तेमाल किया, जो भी हमारे घरों पे पाइप पे पानी आता है इस पे। बट धीरे धीरे हमने समझा कि यहाँ हम सिर्फ पानी नहीं, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ऐसी चीज़ें भी लेके जा सकते हैं। और जब हमारे कलीजे को इससे भी ठंडक नहीं मिला, तो हमने क्या किया, जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसे भी थोड़ा चिपचिपा करके, यानी कि थोड़ा स्लरी करके ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिया। और आगे ना मैं सोच रहा हूँ, ये जो मेरे बगल वाली आंटी है ना, शर्मा आंटी, इसे और जितने भी कॉलोनी के लोग हैं इन्हें भी, मतलब भाई साहब दिन को ना वॉइस ओवर करा ही नहीं जा सकता हमारे घर, नहीं पीछे यार कुत्तों की तरह भौंकते, ऐसा नहीं लगता कि मेरे पीछे इंसान है, नहीं कुत्ते हैं साले, इतने भौंकेंगे कि भाई वीडियो बनाने का बात तो सोच भी नहीं सकता। तो जो भी करना होता है मुझे रात के 3 बजे तक, ठीक है अभी 3 बज रहा है अब मैं कर रहा हूँ। तो अगर पॉसिबल होगा ना तो मैं क्या करूँगा, इन सालों को पाइपलाइन से कहीं और ट्रांसपोर्ट कर दूँगा, ऐसा जगह मतलब वापस ना आए ये लोग, बस इतना इतना हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। अब यार एडवांटेज का बात करते कि अगर तुम पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हो तो तुम्हें क्या एडवांटेज मिलता है। देखो शुरुआती तौर पर बनाने में काफ़ी खर्चा जाता है, ऑब्वियस सा बात है, तुम ज़मीन को खोद के पाइप लगाओ के लंबा सा, पैसा बहुत लगेगा शुरुआती तौर पर, बट अगर एक बार बन गया उसके बाद भाई 1 रुपये भी खर्चा नहीं, बस तुम्हें इस्तेमाल करते जाना है। फिर यार देखो यही पे एक चीज़ है कि अगर तुम रोड या रेलवे का इस्तेमाल करते हो तो यहाँ में क्या होता है, चीज़ों को हम एक जगह लोड करते हैं फिर अनलोड करते हैं, तो यहाँ समय लगता है, रुकता है वो चीज़, बट पाइपलाइन में ऐसा नहीं होता है। ये जो ट्रांसशिपमेंट का जो टाइम होता है ना कि रुकाया फिर लोडिंग किया फिर अनलोडिंग किया, ये सब चीज़ों में देर नहीं लगता, मतलब भाई साहब सीधा एक तरफ से डालो और दूसरी तरफ से निकालो, मतलब भाई साहब समय की बर्बादी नहीं है यार, सीधी बात है। तो इसी बात पे यार जान लो कि इंडिया के अंदर में 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पाइपलाइन नेटवर्क्स है, वो क्या क्या नाम है उनका। तो जो पहला नाम है ऑयल फील्ड इन अपर आसाम टू कानपुर, जो कि बेसिकली यूपी पे है। तो सीधा बोलूँ तो पहला पाइपलाइन कनेक्ट करता है आसाम से लेके कानपुर तक। और ये कौन सा जगह से गुजरता है, तो गुवाहाटी और अलाहाबाद। उसके बाद जो दूसरा पाइपलाइन है ये गुजरात से लेके पंजाब तक चलता है, सलाया गुजरात पे एक जगह है, वहाँ से लेके पंजाब के जलंधर तक।
और ये पाइपलाइन टच करते हुए जाता है विरंगम, मथुरा, दिल्ली और सोनीपत को। और जो आखिरी पाइपलाइन है ये जाता है गुजरात के अंदर में एक जगह है हजीरा, वहाँ से लेके यूपी पे एक जगह है जगदीशपुर, वहाँ तक कनेक्ट करता है। और ये होके गुजरता है विजयपुर, कोटा, शाहजहानपुर और बड़ोदरा। देखो इन तीनों पाइपलाइन को तुम्हें याद करना ही पड़ेगा, ऑप्शन है नहीं तुम्हारे पास। बस ऐसे याद रख लेना, जो पहला पाइपलाइन है वो आसाम से लेके यूपी को कनेक्ट करता है यानी कि कानपुर तक, दूसरा पाइपलाइन गुजरात से लेके पंजाब यानी कि सलाया से लेके जलंधर तक, और तीसरा वो भी गुजरात से लेके यूपी को कनेक्ट करता है हजीरा से लेके जगदीशपुर तक। इतना अगर कर लोगे याद तो भी बहुत है। चलो ये तो हो गया हम जमीन में जितना हमने ट्रांसपोर्टेशन किया, अब बात करते हैं कि हम वाटर से कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो देखो वाटरवे सबसे पुराना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, पता है तुम्हें, अंग्रेज इंडिया पे आए थे वाटरवे के द्वारा, ना वास्को डगामा इंडिया पे आते और ना हम अंग्रेजों के गुलाम बनते। खैर जो हो गया हो गया, बट तुम जान लो कि वाटरवे का क्या क्या बेनिफिट्स है। देखो वाटरवे सबसे सस्ता मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, और जो भारी भारी सामान है ना, बहुत भारी भारी सामान, उन्हें बहुत ही लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कराने के लिए, मान लो एक सामान है जो इंडिया से जा रहा है अमेरिका, तो वो बेस्ट रहेगा कि तुम उसे लेके जाओ वाटरवे से। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम इंडिया से लेके अमेरिका तक रेलवे लाइन बिछा दोगे भाई, पॉसिबल ही नहीं है। तो बेस्ट वही रहेगा कि तुम वाटरवे का इस्तेमाल करो। इसके अलावा देखो इसका फ़ायदा ये भी है कि ये फ्यूल इफिशियंट है, मतलब काफ़ी कम तेल खाता है, और साथ ही साथ ये इन्वायरमेंटल इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। अब ऐसा बात है, फ्यूल इफिशियंट है, तेल कम खाता है, तो यार इन्वायरमेंट को भी समझ ही रहे हो थोड़ा बहुत सपोर्ट करेगा। अब ये जो वाटरवे है ना, ये दो तरीके का होता है। एक होता है इनलैंड वाटरवे, यानी कि तुम कंट्री के अंदर ही पानी का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरे जगह चीज़ों को पहुंचाते हो, तो उसे कहते हैं इनलैंड वाटरवे। ये देखो बेसिकली इस्तेमाल करते हैं रिवर्स का इस्तेमाल करके, ठीक है। और दूसरा जो होता है ओवरसीज, मैंने बताया तुम्हें, जब तुम इंडिया से सामान किसी दूसरे कंट्री में पहुँचा रहे हो तो तुम डायरेक्ट सी का इस्तेमाल करोगे। तो देखो पहले बात करते हैं इनलैंड वाटरवे का। अब इनलैंड वाटरवे में तुम्हें पांच नेशनल वाटरवे का नाम याद करना है। जैसे हमने नेशनल हाईवेज को देखा था, उसी तरीके से यहाँ नेशनल वाटरवे है। पहला जो है NW1, ये है गंगा रिवर पे इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक, ठीक। दूसरा है NW2, यानी कि नेशनल वाटरवे नंबर 2, ब्रह्मपुत्र रिवर पे है, जो कि सदिया से लेके दुबरी तक है। दिख रहे हो यहाँ पे इनलैंड वाटरवे मतलब रिवर्स है, तो यहाँ पे तुम्हें रिवर्स का नाम याद करना है और कौन सा जगह पे रिवर, बस वो याद करना है। जैसे हमने देखा पहले गंगा रिवर इलाहाबाद से लेके हल्दिया, ब्रह्मपुत्र रिवर सदिया से लेके धुबरी, और जो तीसरा नेशनल वाटरवे है वो तुम्हें मिलेगा वेस्टर्न कोस्ट कैनाल केरला पे, और फोर्थ रिवर गोदावरी से कृष्णा के बीच, और जो आखिरी फिफ्थ नेशनल वाटरवे है ब्रह्मणी रिवर से लेके महानदी डेल्टा तक। रिवर का नाम बिंदास याद कर लोगे, बस और कुछ नहीं है। अब इसके अलावा जो मैंने बताया तुम्हें, एक तो इनलैंड वाटरवे है और जो दूसरा था ओवरसीज, अब इसके लिए हमें मेजर पोर्ट्स को याद करना है बस, ठीक है। तो देखो इंडिया के अंदर में ना इस समय 12 मेजर पोर्ट्स है और 200 माइनर पोर्ट्स है, तो हम स्टडी करेंगे इन 12 मेजर पोर्ट्स को। पोर्ट्स यानी पता है ना तुम्हें, एक ऐसा जगह जहाँ में शिप रुकते हैं, सामान या इंसानों को रखते हैं वहाँ पे और उठाते भी है फिर, और जहाँ लेके जाना होता है जाते हैं, ठीक है। तो 12 पोर्ट्स है इंडिया में, देख लेते हैं। तो जो पहला है कांडला पोर्ट, जिसे हम जानते हैं दीनदयाल पोर्ट के नाम से। देखो ये बनाया इसलिए गया था कि इंडिया का जो सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है ना मुंबई पोर्ट, इसमें प्रेशर ना पड़े। ये इंडिया का इतना बिजिएस्ट पोर्ट है, यहाँ शिप्स को रखने का जगह नहीं होती कि कहाँ रखे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो हमने इसलिए कांडला पोर्ट बनाया। देखो आज़ादी से पहले हमारे पास कराची पोर्ट था, बट आज़ादी के बाद ये रहा नहीं हमारे पास, तो हमें मजबूरन इस कांडला पोर्ट को बनाना पड़ा ताकि हम ये मुंबई पोर्ट का प्रेशर को संभाल पाए। अब जब मुंबई पोर्ट का नाम आ ही रहा है तो इनका बात करते हैं। ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है। अब देखो यहाँ में दो कॉन्सेप्ट आएगा, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पोर्ट्स। इन्हें समझने के लिए तुम्हें समझना पड़ेगा कि पोर्ट बनते कैसे। देखो एक ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जो कि सी के आसपास है, जो कि नेचुरली ऐसा बना हुआ है जहाँ तुम
जहाज़ों को आराम से लाके खड़ा कर सकते हो और जो भी सामान होगा तुम्हारा वो तुम लोडिंग और अनलोडिंग कर सकते हो। उस जगह को कहेंगे हम नेचुरल पोर्ट। और एक ऐसा जगह जो कि नेचुरली नहीं बना हुआ है, हमने उस ज़मीन को काट पाट के ऐसा बनाया है कि हम वहाँ अब जहाज़ों को अब खड़ा कर सकते हैं, तो उस जगह को कहेंगे हम आर्टिफिशियल पोर्ट। तो हमारा जो ये मुंबई पोर्ट है ना, ये नेचुरल पोर्ट है। अब देखो ये इतना बिजनेस पोर्ट है, तो यही पे जो हमारा तीसरा पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, इसे भी बनाया गया था ताकि हम जो है मुंबई पोर्ट में जो इतना ट्रैफिक आता है ना, इसका जो ट्रैफिक है उसे कमा सके, मतलब इसे डिकंजेस्ट कर सके। देखो ये चीज़ गलती मत करना, काफ़ी लोग यहाँ ये गलती करते हैं कि मुंबई पोर्ट को ही जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहते हैं। नहीं, दोनों अलग अलग है। मुंबई पोर्ट का प्रेशर को रोकने के लिए हमने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट काफ़ी आसपास ही बनाया, तो इसीलिए कई लोगों को लगता है कि ये दोनों एक ही होते होंगे, बट एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। फिर हम बात करते हैं मोरमुगाव पोर्ट के बारे में। ये तुम्हारा गोवा पे है। इस पोर्ट को बनाया इसलिए गया था कि देखो इंडिया के अंदर में जो फाइन क्वालिटी के आयरन ओर मिलता है ना, इन्हें बाहर कंट्री पे एक्सपोर्ट किया जा सके इस पोर्ट के द्वारा। और बिल्कुल इसी तरीके का सेम चीज़ है न्यू मैंगलोर पोर्ट पे, बस यहाँ में डिफरेंस ये है कि ये कर्नाटका पे है, बाकी यहाँ भी वही होता है आयरन ओर का एक्सपोर्ट। फिर हमारा कोची पोर्ट, ये इंडिया का एक्सट्रीम साउथ वेस्ट पार्ट पे है इन केरला। अब ये जो पोर्ट है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा पैटर्न से बना हुआ है, बाहर से लगून्स दिया हुआ है और अंदर पे एक नेचुरल हार्बर टाइप का बना हुआ है, ठीक है। फिर है यार टूटीकोरिन, ये इंडिया का एक्सट्रीम साउथ ईस्ट पोर्ट है जो कि तमिलनाडु पे है। अब इस पोर्ट का खासियत ये है कि ये एक नेचुरल हार्बर है, साथ ही साथ एक रिच हिंटरलैंड है। फिर हम बात करते हैं चेन्नई पोर्ट का, तो ये इंडिया का ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। देखो इससे पहले हमने बहुत ज़्यादा पोर्ट्स पढ़ा था जो कि नेचुरल था, बट चेन्नई पोर्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है जिसे हमने खुद बनाया है। और मुंबई पोर्ट के बाद चेन्नई सबसे बिजीएस्ट पोर्ट है, तो तुम कह सकते हो टेक्निकली मुंबई के बाद दूसरे नंबर पे जो पोर्ट आता है इंडिया का सबसे बड़ा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ट्रैफिक हर चीज़ में, वो है चेन्नई पोर्ट। फिर यार विशाखापट्टनम पोर्ट, ये इंडिया का सबसे गहरा डीपेस्ट लैंड लॉक और वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है। ये बनाया इसलिए गया था ताकि हम इंडिया का आयरन ओर को एक्सपोर्ट कर सके। तो तुम लोग के लिए यह एक सवाल है, ये विशाखापट्टनम पोर्ट कौन से स्टेट पे इंडिया का, और क्या तुम उस स्टेट से बिलोंग करते हो, ये भी बताना। फिर अगला है पैरादीप पोर्ट, ये पोर्ट है ओडिशा का और ये भी स्पेशलाइज है आयरन ओर को एक्सपोर्ट करने में। मतलब तुम अगर ध्यान से देखो इंडिया के ज़्यादातर पोर्ट आयरन ओर को एक्सपोर्ट करने में स्पेशलाइज है। तुम लोग यार घबराना मत, मैं एक डिटेल एनिमेटेड वीडियो लाऊंगा तुम लोगों के लिए जहां मैप को डिस्कस करेंगे पूरा इंडिया का, ऐसा समझाऊंगा ना तुम्हें, पर तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार देख लेना छप जाएगा दिमाग पे। और इस चीज़ के लिए तुम्हें करना पड़ेगा मुझे सपोर्ट, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर तो करना अपने दोस्तों के साथ भूलना मत, क्योंकि यार तुम लोग के सपोर्ट से मिलता है मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन। और ये जो मोटिवेशन है ना, ये यार ऐसे काम को करवा सकता है जिसे मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा। खैर यार बढ़ते अब अगले पोर्ट की ओर, जो कि कलकत्ता पोर्ट। अब ये ना एकलौता इनलैंड रिवराइन पोर्ट है, यानी कि ये ऐसा पोर्ट है जो कि डायरेक्टली सी से कनेक्टेड नहीं है। अगर तुम कलकत्ता का लोकेशन देखो तो वो सी के आसपास नहीं है, थोड़ा अंदर है, बट यहाँ कई सारे रिवर्स है, उसके मदद से हम जो भी हमारा सामान बाहर लेके जाना होता है हम लेके जाते हैं। पहले हम ये रिवर से कनेक्ट होते हुए फिर हम सी तक कनेक्ट होते हैं, इसलिए हमने कहा इसे ये है रिवराइन पोर्ट। और देखो ये जो कलकत्ता पोर्ट है ये एक समय बहुत ही बिजी पोर्ट हुआ करता था, तुम्हें पता है कि नहीं पता, बट इंडिया का जो कैपिटल है एक समय पे कलकत्ता हुआ करता था, मैं बात कर रहा हूँ अंग्रेज़ों के समय पे, बट फिर अंग्रेज़ों ने इसे शिफ्ट कर दिया। बट उस समय में ना ये पोर्ट का इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा था। और जैसे मुंबई पोर्ट का प्रेशर को कम करने के लिए हमने कांडला पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बनाया है, उसी तरीके से कलकत्ता पोर्ट का ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए हमने बनाया है हल्दिया पोर्ट। अब इस पॉइंट पे आके मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम लोगों का लैंड ट्रांसपोर्टेशन और वाटर ट्रांसपोर्टेशन क्लियर है। अब बढ़ते हैं एयर ट्रांसपोर्टेशन पे। देखो एयरवेज या फिर एयर ट्रांसपोर्टेशन सबसे फास्टेस्ट, सबसे कंफर्टेबल और सबसे प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, यानी कि तुम बहुत ही जल्दी ट्रैवल कर सकते हो, बहुत ही कंफर्टेबली कर सकते हो। और ये जो चीज़ है अमीरों के लिए भाई, हम गरीबों के लिए नहीं है। हमारे लिए तो यार रेलवे का जनरल डब्बा ही बहुत है, हम चल लेंगे एडजस्ट करके जैसे भी चले जाएंगे, नहीं होगा यार हमसे, इतना पैसा हम पे नहीं है। बट तुम लोग में से अगर कोई अमीर ज़्यादा हो तो तुम लोग बता सकते हो कि तुमने जब पहली बार कोई एरोप्लेन या कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन किया था थ्रू एयर, तो तुम्हें कैसा लगा था।
खैर यार, एयरवे काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी फास्ट है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी है, पता है तुम्हें। बट जहाँ रेलवे, रोडवे, वाटरवे नहीं पहुँच सकता है, वहाँ पहुँच सकता है एयरवे। जितने भी इंडिया के डिफिकल्ट टेरेन्स है, पहाड़ी इलाके है, वहाँ तक ना रोड बन सकता है, ना रेलवे बन सकता है, और ना ही वहाँ तुम जा सकते हो कोई शिप लेके। तो तुम्हारे पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन यही है कि तुम चॉइस कर लो एयर ट्रांसपोर्टेशन को। अब आज़ादी के बाद इन 1953 हमने जितने भी एयर ट्रांसपोर्टेशन है उसे कर दिया नेशनलाइज, जिसका मतलब यह था कि 1953 के बाद जितने भी एयर ट्रांसपोर्ट का मीडियम्स हैं, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, एरोप्लेन हो, ये सब गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा। और यही पे रोल आता है हमारा एयर इंडिया का, जो तुम्हें इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रैवल थ्रू एयर फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। और साथ ही साथ हेलीकॉप्टर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया पवनहंस हेलीकॉप्टर्स। तो ये दो चीज़, एयर इंडिया और पवनहंस हेलीकॉप्टर, ये तुम्हें एयर ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस प्रोवाइड करेगा, जो कि पूरी तरीके से कंट्रोल किया है गवर्नमेंट ने। अब देखो यार, इंटरेस्टिंग कहानी ये है, जो ये एयर इंडिया है ना, ये एक समय में टाटा ग्रुप का पार्ट हुआ करता था, इसे हम जानते थे टाटा एयरलाइंस के नाम से। बट 1953 के बाद टाटा एयरलाइंस का कंट्रोल आता है गवर्नमेंट के पास और इसका नाम चेंज करके एयर इंडिया कर दिया जाता है। और यहीं पे एक इंटरेस्टिंग सा स्टोरी ये है कि ये जो एयर इंडिया है, इसे वापस से टाटा ग्रुप ने खरीद लिया है। तुम इसके बारे में थोड़ा इंटरनेट पर सर्च करना, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा स्टोरी है, शायद तुम भी इसे थोड़ा बहुत मोटिवेशन ले सकते हो। इसके बाद देखो, तुम्हें पता है एयरवेज काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, आम लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं बना हुआ होता है। फिर भी जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है ना इंडिया का, यहाँ पे देखने मिलता है हमें कि गवर्नमेंट कुछ इस तरीके से एयर ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करता है कि उसका इस्तेमाल आम लोग भी करें, यानी कि आम लोगों के लिए यहाँ थोड़ा सस्ता कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसके ऊपर एक सवाल बन सकता है कि क्यों एयर ट्रांसपोर्टेशन को नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे इतना एम्फेसाइज किया जाता है, बढ़ चढ़ के प्रमोट किया जाता है। पहला चीज़ तो देखो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिवर्स है, ब्रह्मपुत्र रिवर एग्जांपल पे ले लो, बहुत ही बड़ा रिवर है। इसे छोड़ो यार, मैं तुम्हें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं खुद असम से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ ना तुम एक दो किलोमीटर चल के जाओगे एक ब्रिज आएगा, फिर तुम चलो एक दो किलोमीटर तुम्हें फिर ब्रिज दिखेगा, मतलब भाई साहब हर 2-3 किलोमीटर के बाद तुम्हें एक ब्रिज, एक नदी दिखेगा ही दिखेगा। तो यहाँ रोड्स को, रेलवे को बनाना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। इसी के साथ साथ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया पे फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तुम्हें पता है इंडिया का 60-70% फॉरेस्ट नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया पे है। यहाँ भाई जंगल ही जंगल है, बहुत ही प्यारा लगता है दिखने में। अब देखो, ये चीज़ देखने में तो सुंदर लगता है हमें, बट जब हम रोड्स और रेलवे को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं ना, तो यही चीज़ हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन जाता है। और आखिरी चीज़, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया पे इतने पहाड़ है, इतने पर्वत है, ऊबर खाबर ज़मीन है, तो यहाँ पे रोड्स और रेलवेज़ को हम नहीं ला सकते, तो हमें ना चाहते हुए भी एयरवेज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है। और इसीलिए हम आम लोगों के लिए जितना हो सके एयरवेज़ को जितना हो सके सस्ता रखने का कोशिश करते हैं, ताकि आम लोग भी एयरवेज से ट्रैवल करें। अब इस टॉपिक के ख़त्म होने के साथ साथ हमारा पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का कच्चा चिट्ठा ख़त्म, बस इतना ही तक था। देख रहे हो, चैप्टर का हमने 80% ख़त्म कर लिया है, अब जाके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ख़त्म होता है। अब हम बढ़ेंगे कम्युनिकेशन पे। देखो, जब बात आता है कम्युनिकेशन का, तो मैं पता है पहले समय पे जो हमारे आशिक लोग होते थे ना, वो कैसे अपने चिट्ठियों को पहुँचाते थे, कबूतर से। लंबा कहानी है भाई, उधर नहीं जाते हुए मुद्दे पे आते हैं सीधा। कम्युनिकेशन करने का दो तरीका है, पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन में तुम किसी भी इंसान के साथ पर्सनली कनेक्ट हो रहे होते हो, जैसे कि फ़ोन से, लेटर्स से, ऐसे कई सारे चीज़। और मास कम्युनिकेशन के हेल्प से तुम कई लोगों से कनेक्ट हो सकते हो, जैसे कि टेलीविज़न, रेडियो, प्रेस। ये सब तो छोड़ो यार, पुरानी बात है, मैं तुम्हें मेरा एग्जांपल दे रहा हूँ। आज अगर मैं कोई कोचिंग सेंटर खोल के पढ़ा रहा होता, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों को पढ़ा पाता, 30-40 मैक्सिमम 50, उससे ज़्यादा नहीं। बट होता क्या है, इस यूट्यूब की मदद से ये जो आवाज़ तुम सुन पा रहे हो, इंडिया के शायद कोई भी कोने में बैठे हुए हो, शायद तुम सदर्न इंडिया से हो, शायद तुम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से हो, शायद तुम राजस्थान, कश्मीर, कहीं से भी हो सकते हो, बट तुम सुन पा रहे हो ड्यू टू मास कम्युनिकेशन। अब ये दो चीज़ तो एक जनरलाइज तरीका है कम्युनिकेशन का। अब हम देखते हैं इंडिया स्पेसिफिक कि इंडिया के अंदर में कम्युनिकेशन करने का क्या क्या तरीका है। तो जो सबसे पहला है, इंडियन पोस्टल नेटवर्क। अब पोस्टल नेटवर्क के मामले पे इंडिया आता है एक नंबर पे। अब मुझे पता नहीं है कैसे हो रहा है, चिट्ठी लिखना तो हमने कई सालों पहले छोड़ दिया है, फिर भी
घिस पिस के ये सेक्टर चल रहा है। बट इसके बाद जो हमारा अगला मोड ऑफ कम्युनिकेशन है ना, ये काफ़ी जोर शोरों से इंडिया के अंदर में चल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ टेलीकॉम नेटवर्क्स का। पूरी दुनिया के अंदर में चाइना के बाद इंडिया आता है दूसरे नंबर पे इन टर्म्स ऑफ टेलीकॉम नेटवर्क। और इसमें हमें मदद करता सबसे ज़्यादा एयरटेल, जियो और वोडाफोन जैसे टेलीकॉम ऑपरेटर्स। अगर हम रहते हैं VSNL या गवर्नमेंट के कुछ भी सीन पे तो शायद ये इतना बड़ा नहीं हो पाता। फिर जो तीसरा तरीका है मोड ऑफ कम्युनिकेशन का, वो है मास कम्युनिकेशन। देखो इसके अंदर में तुम्हें चार इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है बस। पहला देखो ऑल इंडिया रेडियो, जिसे हम आकाशवाणी कहते हैं। दूसरा नेशनल टेलीविजन चैनल दूरदर्शन। अब ये वो चैनल है जो एक समय पर लेजेंडरी हुआ करता था, बट आज के समय पर तो बस बहुत ही लिमिटेड रह गया है। बट फिर भी ये इंडिया का इकलौता नेशनल टेलीविजन चैनल है जो कि पूरी तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और जो तीसरे नंबर पर आता है वो है न्यूज़पेपर। देखो न्यूज़पेपर का बात करूँ तो इंडिया के अंदर में सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर छपते हैं हिंदी लैंग्वेजेस में, और इसके बाद इंग्लिश और जितने भी रीजनल लैंग्वेजेस है इसमें भी न्यूज़पेपर आता है। बट फिर भी देखो दुख की बात यह है, इतना बड़ा इंडिया है, इतने लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बट इंडिया के पास एक ऐसा न्यूज़पेपर नहीं है जो इंटरनेशनली जाना पहचाना जाए। जैसे कि देखो चाइना के पास द ग्लोबल टाइम्स है, ये उसका स्टेट मीडिया है जिसका न्यूज़ पूरा दुनिया में पढ़ा जाता है, मतलब तुम कह सकते हो ये इंटरनेशनल ब्रांड है। उसी तरीके से USA के पास न्यूयॉर्क टाइम्स, यूनाइटेड किंगडम के पास BBC, देख रहे हो। बट इंडिया के पास ऐसा कोई इंटरनेशनली न्यूज़ चैनल या फिर कोई न्यूज़पेपर नहीं है जिसके ऊपर डेफिनेटली इंडिया को काम करना चाहिए और कुछ ऐसा लाना चाहिए। फिर आता है आखिरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसमें ना हमने बहुत ही अच्छा काम किया है, मैं बात कर रहा हूँ मूवीज या फिल्म्स का। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फीचर फिल्म बनाने पे, ठीक है। हम इतने ज़्यादा मूवीज़ बनाते हैं, इतने ज़्यादा कि दुनिया सोच भी नहीं सकता। हम हॉलीवुड तक मूवीज़ को जो बनाने का क्वांटिटी है, मतलब यार हर दो दिन बाद एक नया मूवी रिलीज़ होता है इंडिया के अंदर में। इस चीज़ से हम हॉलीवुड को भी टक्कर दे सकते हैं, मतलब भाई साहब इतना मूवी बनता है इंडिया के अंदर में, अलग ही क्रेज़ है हमारा। और जब से यार वेब सीरीज़ बनना शुरू हुआ ना तब से तो पूछो मत भाई। खैर यार इसी बीच में तुम्हें एक चीज़ बताना भूल गया, ये जो मूवीज़ बनता है इंडिया के अंदर में इसके अंदर में कोई गलत चीज़ें ना दिखाया जाए, मतलब इसे मॉनिटर करने के लिए एक गवर्नमेंट अथॉरिटी बना हुआ है जिसे हम कहते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। ये क्या करता है, सर्टिफाइड करता है कोई फिल्म देखने लायक है या नहीं है आम लोगों के लिए। इसके बाद यार आखिरी टॉपिक इंटरनेशनल ट्रेड। अब देखो जब हम चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं लोगों के बीच, स्टेट के बीच या फिर कंट्रीज़ के बीच, तब हम उसे कहते हैं ट्रेड। अब ये ट्रेड कई तरीके का होता है। मान लो ट्रेड हो रहा है इंडिया का कोई सिटी, टाउन और विलेजेस पे, तो तुम उसे कहोगे लोकल ट्रेड। फिर मान लो कि ट्रेड हो रहा है अब इंडिया के स्टेट्स के बीच, दो या दो से ज़्यादा, तब तुम उसे कहोगे स्टेट लेवल ट्रेड। और आखिर में मान लो कि इंडिया किसी दूसरे कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करता है तो उस ट्रेड को कहेंगे इंटरनेशनल ट्रेड। क्लियर है, ट्रेड यानी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और जब यही गुड्स एंड सर्विसेज को हम इंटरनेशनली कर रहे होते हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ तो उसे कहते हैं हम इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड से तुम पता कर सकते हो कि एक कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, वो कितना डेवलप्ड है और नहीं है। और ये चीज़ जानने के लिए तुम्हें बस दो चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, उस कंट्री का एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कितना है। यानी कि तुम कह सकते हो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कंपोनेंट है ट्रेड का। और यही पे एक कॉन्सेप्ट आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। देखो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना। अब ये क्या होता है डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। देखो दो कंडीशन होता है, अगर तुम्हारा कंट्री दूसरे कंट्रीज को सामान बेच रहा है यानी कि तुम्हारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है इम्पोर्ट से, तब हम उसे कहेंगे फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो कि ऑब्वियस सा बात है इंडिया के साथ कभी नहीं होता। हम इंडियंस ज़्यादा सामान दूसरे कंट्रीज से मंगाते हैं तो हमारा एक्सपोर्ट कभी भी ज़्यादा नहीं रहता है, हमारा ज़्यादा रहता है इम्पोर्ट। तो इसके लिए हम आते हैं दूसरे कंडीशन पे, जब कोई कंट्री इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहा होता है एक्सपोर्ट से, तब उसे कहते हैं हम अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो इंडिया हमेशा ही करता है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। ज़्यादातर जो तुम अपने घर पे सामान देख पाओगे या तो वो चाइनीज़ होगा, या तो वो अमेरिकन होगा, या तो वो साउथ कोरियन होगा, या तो वो जापानीज़ होगा। इंडियन सामान काफ़ी कम है, इसके वजह से हमारा जो है इम्पोर्ट ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होता है। तो अगर कोई कंट्री को डेवलप करना है तो सही में बता रहा हूँ उस कंट्री का एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए, ना कि इम्पोर्ट। यानी कि हमें ज़्यादा दूसरों को सामान बिकवाना चाहिए, ना कि खुद खरीदना चाहिए। इतना समझ गए। अब दो चीज़ है,
इंडिया क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट करता है और इम्पोर्ट करता है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैंने यह लिस्ट दिया हुआ है, तुम थोड़ा नज़र मार लेना, समझ जाओगे, बहुत आसान है। अब फाइनली हम आ चुके इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, टूरिज्म, यानी कि हम जो घूमने फिरने जाते हैं ना कहीं भी, और वहाँ जाके हम बहुत ही मस्ती करते हैं और थोड़ा बहुत पैसा भी स्पेंड करते हैं। ये जो हमने पैसा स्पेंड किया ना वहाँ, इससे वहाँ के लोगों को फ़ायदा हुआ, हमने जाने अनजाने में लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दिया, रोज़गार दिया, एक तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी किया, और यही है टूरिज़्म का कॉन्सेप्ट। अब मैं बात कर रहा हूँ इंडिया स्पेसिफिक, इंडिया के अंदर में इस समय 15 मिलियन लोगों को जॉब मिल रहा है, यानी कि रोज़गार मिल रहा है इस टूरिज़्म इंडस्ट्रीज से, यानी कि वो लोग डायरेक्टली इंगेज है टूरिज़्म सेक्टर पे। ये तो मैंने डायरेक्टली कहा, इनडायरेक्टली तो कई ज़्यादा है, मैं गिना नहीं सकता। इसी के साथ साथ टूरिज़्म से प्रमोट होता है नेशनल इंटीग्रेशन। कैसे, देखो अब मैं हूँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, तो मैं मान लो साउथ इंडिया में जाता हूँ, वहाँ का नया कल्चर देखता हूँ और मुझे बहुत सही लगता है, अरे यार ऐसा तो हमारे यहाँ नहीं होता, ये तो बहुत ही औसम है यार। फिर मैं जाता हूँ नॉर्दर्न इंडिया पे, राजस्थान, बिहार, यूपी, वहाँ जाके देखता हूँ, अरे यार यहाँ के लोग तो बहुत ही मस्त है, गजब किस्म के बकचोदिया करते हैं, यार मुझे भी करना है। फिर यार मान लो तुम आते हो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया पे, देखते हो यहाँ के लोगों को, बात करते हो और पता चलता है कि यहाँ के लोग तो काफ़ी कूल है, तो इससे क्या हुआ, हम एक दूसरे को समझ पा रहे हैं और यहाँ जाने अनजाने में ही नेशनल इंटीग्रेशन हो रहा है, मतलब हम आपस में इकट्ठे मिलकर रह रहे ड्यू टू ट्रैवलिंग, टूरिज्म, समझ गए। तीसरा चीज़, टूरिज्म से जो वहाँ के लोकल हैंडीक्राफ्ट, मतलब वहाँ के हाथों से जो बनाया हुआ लोकल चीज़ है, उसे हम खरीदते हैं, हर जगह कोई यूनिक चीज़ होता है, हम उसे देखते हैं, पसंद करते हैं, लेते हैं, तो वहाँ का जो लोकल इंडस्ट्री है हैंडीक्राफ्ट का, उसे भी इससे सपोर्ट मिलता है। और फोर्थ, जब होता है टूरिज़्म, दुनिया भर के लोग इंडिया में आएगा, इंडिया को देखेगा और समझ पाएगा कि इंडिया का कल्चर, और वो समझ पाएगा कि इंडिया का कल्चर एंड हेरिटेज कितना बड़ा है, हाउ ब्यूटीफुल वी आर, इतना डाइवर्सिफिकेशन है, इतने ज़्यादा गॉड, इतने ज़्यादा लोग, भाई साहब क्या बताओ, इतना औसम सा तो कंट्री है। तो यहाँ पे मैं तुम लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैंने कई बार देखा है और मैं चीज़ सोचता हूँ बस, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, जब भी कोई फॉरेनर इंडिया पे आ रहा होता है ना, हम यार कुत्तों की तरह उसके पास पहुँच जाते हैं, भाई साहब एक फ़ोटो खिंचवा दो, मतलब तुम एक आम इंसान को बस उसके रंग के हिसाब से तुम उसे सेलिब्रिटी बना देते हो, भाई वो घूमने आया है घूमने दो, हाँ तुमसे अगर एक बॉन्डिंग हो रहा है, फ्रेंडशिप हो रहा है, ठीक है, बट ये जो 2 रुपये वाला हरकत होता है ना भाई, ये चीज़ मत क्या करो, मतलब गंदा लगता है देखने में, बस वो टूरिस्ट है, टूरिस्ट की तरह देखो, मतलब भाई साहब कुछ भी। और फिर आखिरी चीज़, जब टूरिस्ट इंडिया में आते हैं तो क्यों आते हैं, वो हेरिटेज यानी कि हमारा जितने भी हिस्टोरिकल साइट्स है उन्हें देखने, इको टूरिज्म के लिए, एडवेंचर के लिए, कल्चर को समझने, मेडिकल टूरिज्म, बिजनेस टूरिज्म, ये सारी चीज़ है। तो आई गेस मैंने चैप्टर ख़त्म कर दिया है, काफ़ी लंबा था, लिटरली मुंह दर्द दे दिया मेरा, और तुम लोग भी शायद सुन के थक गए होगे, तो कर लो आराम जितना करना है, और जाते जाते यार वीडियो को लाइक करना भूलना मत, क्योंकि तुम्हारे एक लाइक से मुझे मिलता है बहुत ज़्यादा मोटिवेशन, और आगे वीडियो ऐसे ही आते रहेंगे, बस तुम एक लाइक करना और कमेंट करना, बस और क्या चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू, लव यू ऑल।